सभी लोगों को ईद मुबारक। तो बॉयज मैं लेट बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इवॉक वीडियो का एपिसोड रेडी किया था, लेकिन वो बहुत बड़ा एपिसोड है तो उसको एडिट करने में बहुत हालत पतली हो रही है, तो माफ कर दो यार। उसको भी वीडियो आएगा, जल्दी ही आएगा। आई थिंक मैं संडे या फिर मंडे डाल दूंगा भाई इवॉक वीडियो का एपिसोड। इवॉक वीडियो के बस दो ही एपिसोड बचे हैं तो जल्द से जल्द वो भी आ जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बॉयज, पिछले वाली वीडियो में हमने हराया था थंडर टाउन के थंडर जिम लीडर को और हमने उसको सारी बातें बता दी हैं भाई। देखो यार, अगर आपके पास मिथिकल मॉन्स्टर है ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास जो भी मॉन्स्टर है ना उसको आप अच्छे से इवॉल्व करो यार। उसके पास थंडर बीस्ट था भाई, थंडर बीस्ट से हमने किल्टॉन को इस्तेमाल करते हुए हरा दिया भाई। नाइस वन यार, रेयर टाइप के मॉन्स्टर ने मिथिकल मॉन्स्टर को हरा दिया। और हाँ यार, उसका लेवल बहुत ज़्यादा था भाई, हमारे से भी ज़्यादा था, लेकिन हमने मैनेज कर दिया ऐसे करके हरा के। हमारे पास भी मिथिकल मॉन्स्टर थे, मुझे तो लगा भाई गॉड्स लॉक बहुत ही बेकार है, मतलब उसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन भाई पिछले वाले वीडियो में उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया भाई। उसने बर्न इफेक्ट दिए बहुत सारे और हमें जिता दिया भाई। नाइस वन यार। तो यार, उसके परफॉर्मेंस देख के मैं सोच रहा हूँ कि और एक मिथिकल मॉन्स्टर को ले लिया। हमारे पास दो रेयर टाइप के मॉन्स्टर है और एक इलाइट टाइप का है और दो मिथिकल मॉन्स्टर है बॉयज। तो मैं सोच रहा हूँ और एक मिथिकल मॉन्स्टर ले लेंगे हम। तो यार बॉयज, यार आज के वाले वीडियो में मैं एक्सचेंज करने वाला हूँ और एक मिथिकल मॉन्स्टर, तो उसको लेते हैं। ओके लेट्स गो बॉयज, मैं लेने वाला हूँ भाई मोल्ट्रा को मैं लेने वाला हूँ बॉयज। ये देखो यार, ये बहुत देखने में औसम है यार, तो इसको खरीदते हैं। हालांकि इसके पास वाटर और इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है, मतलब मॉन्स्टर है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा एडवांटेज नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप का हमारे पास पहले से है और वाटर टाइप का भी है। लेकिन मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ कि जिम जो है वो सॉइल टाइप के मॉन्स्टर इस्तेमाल करेगा भाई, तो हमारे पास वाटर टाइप के होना थोड़ा अच्छा हमारा एडवांटेज दे सकता है, तो मैं इसलिए इसको लेने वाला हूँ। लेट्स गो, इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। ओ बॉय, बढ़िया मोल्ट्रा हमारे पास आ चुका है। नाइस वन मैन। ओके, हमें यहाँ पे अचीवमेंट मिली है, तीन मिथिकल मॉन्स्टर हमारे पास आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। और ये रहा भाई मोल्ट्रा, इसको इवॉल्व होने के लिए क्या चाहिए भाई। ओके नाइस, हमारे पास सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इसका और एक इवॉल्व नहीं कर सकता है। लेकिन यार ट्राई करते हैं भाई, मेरे पास 1,65,000 एक्सपी है, तो मैं इसकी दबा के एक्सपी देने वाला हूँ। मैं सीधा इसको देने वाला हूँ 50,000 एक्सपी। तो लेट्स गो, कितना लेवल अप होता है इसका देखना पड़ेगा। ओके 46, 47, 48, 49 और 50,000 2 के एक्सपी में देने वाला हूँ इसको। लेट्स गो, देखते हैं 36 लेवल, क्या बात है। और हमें नया मूव लेंगे, आइस ब्लॉक। ओके ब्रेवल, नाइस बबल। ओके बबल बुलेट, बीस आर्मर की जरूरत नहीं। आइस ब्लॉक से क्या होता है यार, राइस डिफेंस बढ़ा देगा और ये क्या करेगा। ओके इसको रिप्लेस कर लेते हैं। वाटर ड्रिप को हम बुलेट्स ना भाई, इसे रिप्लेस करो फाउंटेनिंग। ओके फास्ट स्विम भाई साहब, हम हाफ एक्सपी तक हम रिकवर कर सकते हैं। ओके बढ़िया मैन, मैं इसको लास्ट तक रखूंगा, ब्रेवल से रिप्लेस कर लेता हूँ मैं। और थोड़ा लेवल अप करना। ओके वेट, पहले तो इसको इवॉल्व करते हैं बॉयज। सबसे पहले यार मैं देखना चाहता हूँ इसका फीड लेवल अप होता है नहीं भाई, अगर फीड लेवल अप नहीं माना तो ये भी वेस्ट हो जाएगा। ओह नाइस मैन, फीड लेवल अप हो रहा है बॉयज, मैं इसका फीड लेवल अप कर देता हूँ भाई, ये फुट लेता हूँ। ओके इसका लेवल 3 भर चुका है और लेवल 4 के लिए भी तैयार है भाई। नाइस, और इसकी एचपी है 131 और इसका अटैक पावर है 51 और स्पेशल अटैक है 82। ओके मैं समझ गया भाई, ये स्पेशल अटैक करता है, तो इसका हमें पता कहाँ से लेगा, यहाँ से स्पेशल अटैक हमें इसको रिकमेंड कर रहा है भाई इंक्रीज करने के लिए। नाइस वन, अभी के लिए इसका 477 है भाई बैटल पावर। नाइस वन, मैं इसको और भी लेवल अप करने वाला हूँ, मैं इसको देने वाला हूँ और 50,000 एक्सपी। ओके 30,000, 40,000 और ये हो गया 50,000। लेट्स गो 45 लेवल, बढ़िया। मुझे इसको और भी लेवल अप करना पड़ेगा बॉयज, लेट्स गो भाई। आई थिंक इतना लेवल अप नहीं होगा, मतलब 50 क्रॉस नहीं होगा, 35,000 देता हूँ। ओके 50 हो जाएगा, बहुत बढ़िया 50 लेवल हो चुका है। एक काम करते हैं यार, पूरे एक्सपी देते हैं इसको 52 लेवल। यार मुझे इसको और भी लेवल अप करना था, कोई बात नहीं, और मैं इसको इवॉल्व करने वाला हूँ। लेट्स गो बॉय, पहले देख लेते हैं यार इसका बैटल पावर है 669 है बैटल पावर, तो इसको इवॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना पावरफुल होने वाला है। इसकी एचपी कितनी है, एचपी 183 है। नाइस वन यार, अभी के लिए तो बहुत अच्छी है इसकी, अभी मैंने इवॉल्व भी नहीं किया इसको। ओके लेट्स गो बूम। ओ भाई मोल्ट्रा इवॉल्व हो चुका है सैगन में, ओ माय गॉड भाई, लेट्स गो मैन। और थंडर पंच, ओके बहुत बढ़िया, 20 आर्मर से एक काम करते हैं, रिसर्व प्लस लेते हैं। ओके वेव फ्लोट अच्छा मूव है, रख लेते हैं। ओके वेव ब्रेक, अबे 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 भाई ये बहुत मस्त है भाई, इसको ले लो भाई। थ्रैश अटैक, ओके इससे रिप्लेस करो थंडर पंच से। और फोकस,
भाई फोकस अच्छा है। ओह शिट मैन, ये दोनों अच्छे मूव हैं यार, मैं रिप्लेस किससे करूं? शिट, काम करते हैं फोकस को रहने देते हैं भाई, फोकस को फिर कभी ले लेंगे। ओके फिर से देखते हैं, इवॉल्व कर सकता हूं क्या मैं? इवॉल्व प्लीज ना यार, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास 4 शार्ड्स कम पड़ चुके हैं। ओके वेट, मिक्स कर लो ना यहां से, 2, 3 और 4। ओह बॉय बढ़िया यार, मेरे पास शार्ड थे भाई, बच गया। इसको आज इवॉल्व कर सकते हैं भाई, लेट्स एल्ड्रागन। ओके लेट्स गो भाई, इवॉल्व करते हैं भाई, कितना खतरनाक लग रहा है। ओह बॉय, और ये और भी इवॉल्व हो चुका है, बहुत बढ़िया भाई, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है यार। ओके वाटरफॉल, अरे वाटरफॉल इतना वीक अटैक ना भाई, मूडी वाटर। ओके ये अच्छा लग रहा है भाई अटैक, और इसका 80 इसकी जरूरत नहीं है हमें, एचपी बहुत कम होगी तो ये ट्वाइस पावर, मतलब इसका पावर अटैक पावर जो है बढ़ जाएगा, डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मैं स्कोर रहने देता हूँ भाई, मेरे पास अभी जो मूव्स है ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। ओके रिवर्स स्ट्राइक, ओके ये नहीं चाहिए, ये मेरे को चलेगा भाई, ये इसकी जरूरत नहीं है। ओके शॉकवेव ना शॉक, अरे वेट, मेरा अभी जो पोकेमोन मतलब मेरा मॉन्स्टर है ना स्पेशल अटैक टाइप है, तो मुझे फिजिकल अटैक की जरूरत नहीं है, और ये वेव फ्लोर फिजिकल अटैक है, तो मैं इसे इसको रिप्लेस कर लेता हूँ। ओके बढ़िया, विल पावर एक ऑसम मूव है बॉय, लेकिन मेरे पास स्पेशल अटैक फिजिकल डिफेंस और उसकी स्पीड डिक्रीज कर देगा लेवल बाई 1 से, तो ये अच्छा वाला मूव है, लेकिन विल पावर से हमारा स्पेशल अटैक और फिजिकल अटैक दोनों बढ़ जाएंगे भाई, तो यार अच्छे खासे मूव आ रहे हैं भाई, ये गलत बात है यार, ये अच्छे अच्छे मूव ऐसे वेस्ट हो जाएंगे, मैं अटैक पे ध्यान दूं या फिर डिफेंस पे ध्यान दूं मुझे समझ नहीं आ रहा बॉयज, एक काम करते हैं इसमें विल पावर को रहने दें क्या? ओके इस बार रहने दें, अगर अगली बार मैं ले लूंगा। ओके डेडली आइस, 123 का डैमेज इसका, मैं ट्रैश रिप्लेस करता हूं भाई। ओके स्पेशल अटैक हमें चाहिए फ्रीज कर्स, ओके 25% चांस टू मेक एनिमी स्किल अनअवेलेबल, ओके फ्रीज कर सकता है 25% चांस है भाई, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। ओके यार मैं एक काम करता हूँ, हील को रख लेता हूँ, वेव ब्रेकर को रिप्लेस कर लेता हूँ इससे। ओके लेट्स गो, अबे कितने मूव आ रहे हैं इसे, फ्यूरियस वेव 20% डैमेज, ओके ये हील कर लेगा, ओके यार इससे रिप्लेस कर लेते हैं ना फिर तो। ओ मैन मेरे पास एक भी चा नहीं है, मुझे लगा चा और आएंगे, तो मैं विल पावर रख लेना चाहिए था, मुझे शॉक वेव को रिप्लेस कर लूँ क्या आगे चल के, मैं डेडली आइस को रिप्लेस कर सकता हूँ बॉयज, क्योंकि डेडली आइस एक फिजिकल अटैक है और हमें चाहिए स्पेशल अटैक, तो आगे चल के मैं ये डेडली आइस को रिप्लेस कर लूँगा, लेकिन उसका डैमेज मतलब उसका फोर्स जो है वो 120 का है, तो मुझे वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके कोई बात नहीं यार, इसका इवोल्यूशन अभी नहीं होगा और डाउन लेवल मैं अप नहीं कर सकता बॉयज, क्योंकि मुझे इसके अल्टरनेट मिलेंगे नहीं, तो मैं इसका और भी लेवल अप नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसका फीड लेवल भी नहीं अप कर सकता। ओके कोई बात नहीं, मैं इसका लेवल अप कर जरूर कर सकता हूँ भाई। ओके मैन इसका स्पेशल अटैक है 190 और इसका फिजिकल अटैक है 129। ओके थोड़ा अटैक हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, फिजिकल अटैक पे सिर्फ और सिर्फ हमें इसके स्पेशल अटैक पे ध्यान देंगे। स्पीड इसकी 176 है जो कि नॉर्मल है। ओके भाई 291 की एचपी है, तो ये बढ़िया है भाई, एचपी थोड़ा दमदार मिली है, और हमारे फ्लेमियन की एचपी 241 है भाई, तो इसकी एचपी जो है वो फायर टाइप से भी ज़्यादा है। ओके मैन ये अच्छा लग रहा है भाई, इसको मैं थोड़ी देर के लिए सामने रख लूँ क्या? ना 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 भाई, अभी हम इससे निकले नहीं, बट थंडर टाउन से हम बाहर निकले नहीं है, जब तक हम थंडर टाउन से बाहर नहीं जाते ना तब तक हमें इलेक्ट्रिक टाइप के मिलेंगे, तो मैं किल्टन को ही सामने रखूंगा अभी तक। ओके मैन फाइनली, तो अभी हम जाने वाले थे यार, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक बात की थी, डॉक्टर हरिन के पोता मिला था अभी मुझे यहाँ पे उसका पोता है, पता नहीं कहाँ पे गया, यहीं पे था, तो इसके पोते से मैंने बात की, तो उसके ग्रैंडफादर जो है यहाँ पे केव है जो कि मैंने देख रखी है, आई थिंक यहाँ पे नहीं, यहाँ से जाना है हमें, तो यहीं पे एक केव है, तो उसका पोता सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, पोता नहीं, वेट चैलेंज करेगा क्या? ओके मैं स्किप कर देता हूँ ना चैलेंज कर लो भाई, और ओह शिट मैं शायद इसको स्किप नहीं कर सकता, वेट कर सकता हूँ क्या? ओ लेट्स गो, कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा स्किप कर रहा हूँ भाई। ओके नाइस, यही कहीं पे तो एक केव है बॉस, मुझे इस केव के अंदर जाना है, वेट मैं गलत जा रहा हूँ, केव मैंने यही कहीं पे तो देखी थी यार, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ओके मैन मैं क्लियरली रॉन्ग हो चुका हूँ, मुझे वापस टाउन पे जाना पड़ेगा, मेरे कुछ मॉन्स्टर जो है वो पैरालाइज हो चुके हैं, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। और यार बडीज मेरी टीम अभी कंप्लीट हो चुकी है, मेरे पास 6 के 6 मॉन्स्टर्स भी अभी है भाई मेरे इन्वेंट्री में, तो यार आप लोग क्या कहते हो उस टीम के बारे में, मुझे इसको चेंज करना चाहिए, अलग टाइप के मॉन्स्टर को भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फायर टाइप के बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और वाटर टाइप के और एलेक्ट्रिक टाइप के, दो दो एलिमेंट ज़्यादा है भाई हमारे पास, दो दो एलिमेंट के बैठे हैं भाई,
तो हाँ यार, मुझे आप कमेंट में बताओ कि मैं अभी बाकी के एलिमेंट्स को मैं रखूँ या फिर नहीं, तो चेंज करना है तो मुझे किसको चेंज करना चाहिए, तो आप ये सब मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो, मैं इसको कंसिडर करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो यार मैं सोच रहा हूँ भाई गॉड्स लॉक को रिप्लेस कर लें किसी अलग ही टाइप के मॉन्स्टर के साथ, जो कि हमारे पास नहीं अभी तक वो एलिमेंट नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ डार्क या फिर लाइट टाइप के मॉन्स्टर अगर हमें आगे चल के मिलते हैं तो मैं उन्हें पकड़ूँ। ओके लेट्स गो, फिर से चलते हैं भाई। यार फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है भाई आज के वाली वीडियो में। कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगा यार आज के वाली वीडियो में सॉल्व करना ही है। ओके वेट, आई थिंक यही कहीं पर तो रास्ता नहीं उसका। ओके यहाँ पर नहीं है, मैंने उसके पौधे को यही, यही पर रास्ता था यार। कोई बात नहीं, चलते हैं। अब यार मैं फालतू में पूरा सिटी घूम के आ गया भाई। कोई बात नहीं यार, देखते हैं ये बंदा यहीं पे हो सकता है, केव यहीं पे हो सकती है बॉयज, कि घर के पीछे ही था भाई ये सब कुछ। ओके वेट, थोड़ा लैग हो रहा है भाई पता नहीं। ओके वेट, केव मिल गई भाई। ओके नाइस, यहाँ पे कुछ लूट वूट नहीं है भाई। कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेट्स गो अंदर चलते हैं भाई। तो यार डॉक्टर हेरिन नाम का बंदा है ना, यहाँ पे मैथिकल मॉन्स्टर को ट्रैक करते हुए आया है, यहाँ पे इसने मैथिकल मॉन्स्टर को देखा है, तो मैं इसके पीछा करते हुए आया हूँ। ओके लेट्स गो, बंदे यहाँ पे मिल, शिट। ओके यार बंदे तो नहीं है, मुझे मॉन्स्टर मिल रहे हैं, और आई थिंक यहाँ पे केव है तो यहाँ पे ग्राउंड टाइप के ज़्यादा होंगे। मुझे मोड्रा को सामने रख ले, वाटर मिलन, नाइस वन भाई मुझे। अरे वेट यार, मैंने केव एक्सप्लोर, ओके मैं दूसरे फ्लोर में आ गया आई थिंक। ओके ये रहा भाई डॉक्टर हेरिन। अच्छा तुमने ये हिडन केव को ढूंढ लिया, तुम्हारी आवाज़ नीचे करो, यहाँ पे मैथिकल मॉन्स्टर सो रहा है। ओके हो भाई, दरवाजा देखा आपने कितना बड़ा था भाई, देखा उसके पीछे एक मैथिकल मॉन्स्टर है। यहाँ पे बहुत दिनों से स्टडी कर रहा हूँ उस दरवाजे के बारे में, लेकिन मुझे अभी तक उस खोलने का रास्ता पता नहीं चला है। हो वेट, ये क्या था? ओ डियर, डेंजर, इतना आवाज कहाँ से आ रहा है? ये भाई अंदर मैथिकल मॉन्स्टर बाहर आ रहा है क्या? तो उनके ओपन हो गया। चलो जो भी हो, तुम एक मॉन्स्टर हो ना, अगर तुम यहाँ पे हो इसका मतलब तुमने जिम लीडर को हरा दिया है। जी हाँ मैंने हरा दिया, और उसने मुझे बताया कि आप स्नेप के बारे में कुछ जानकारी रखे होंगे तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हो। ओके स्नेक, ये भी शौक हो गया भाई। ओके मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, मैं और स्नेक जवानी में एक साथ काम करते थे, उसने मॉन्स्टर के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, उसने मॉन्स्टर की पावर को अपनाना चाहा, तो उसने बुरे लोगों के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। हमें उसे रोकना पड़ेगा वरना वो मॉन्स्टर और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ओके मेरा पोता मेरा वेट कर रहा है घर पे, तो मुझे जाना पड़ेगा। गुड लक, आई होप कि तुम मैथिकल मॉन्स्टर को हराओ और उसे अपना हो। अबे मैथिकल मॉन्स्टर है भाई, वो कोई हलवा नहीं है। ओह मैन, चलो जी एक्सपी तो दबा के मिली है, लेट्स गो भाई। डोर ओपन हो गया, वो कैसा रिसर्च था भाई, ऐसे रिसर्चर होते हैं यार, अगर दरवाजा खुल चुका है तो उसको अंदर जाके स्टडी करनी चाहिए। वो बुद्धू भाग गया भाई, क्या करना चाहिए, अंदर जाना चाहिए या फिर कार्टर ग्रुप के बंदों को ढूंढना चाहिए? लेट्स गो मैं, ओके देखता हूँ भाई अंदर जाके। भाई पता नहीं कौन सा मैथिकल मॉन्स्टर है यहाँ पे, थंडर बीस तो नहीं होगा। अबे यार ये क्या है भाई, ये पानी नहीं है भाई, ये कुछ और है। बहुत बंदे बोल रहे थे कि मुझे पानी है, ये पानी नहीं है, देखो कैसे मैं बाइसाइकिल चला रहा हूँ। थंडर बीस्ट है भाई यहाँ पे, नहीं नहीं मैं इसको चैलेंज नहीं कर सकता भाई, ये मेरी चुटियों में हरा देगा भाई, ये बहुत पावरफुल होते हैं यार। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे जब हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे ना, तो मैं आऊँगा इसको चैलेंज करूँगा और इसको हरा दूंगा भाई, तो ये मेरा चैलेंज है तुझसे, समझ ले तो। लेट्स गो भाई चलते हैं। और यार मुझे अभी जाना है एशियन डूम, मतलब जो सॉइल सिटी का जिम लीडर है ना, मुझे वहाँ पे जाना है, उससे हेल्प मांगनी है। मैं सॉइल सिटी के जिम लीडर से जा के बात करूंगा और उससे हेल्प मांगूंगा कि भाई हमें कार्टर ग्रुप के बंदों को हराना है स्नेक को, तो हमारा साथ दो। ओके अबे तो यही पे है क्या, तुम्हें एशियन डूम टाउन के बारे में पता है? अगर मुझे ठीक से याद है तो वहाँ कार्टर ग्रुप का एक बेसमेंट है। ओके बॉय, कार्टर ग्रुप का बेस, मैं इतने सालों से उसके साथ काम किया है तो मुझे उसके बारे में थोड़ा तो पता होगा। ये नहीं पता कि वहाँ पे स्नेक है भी या नहीं, तुम्हें उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ओके समझ गया, लेकिन मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ? बस रोड 113 पे जाओ, थोड़े बहुत चैलेंजेस मिलेंगे तो तुम्हें वहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, मैं देख लूँगा। ओ बॉय, डेजर्ट पे जाना है पहली बात तो। ओके पहले मैप में देख लेते हैं यार कहाँ पे आता। ओके ये रहा भाई, तो मुझे जाना किधर से है? ओ माय गॉड, मुझे पूरा घूम के जाना पड़ेगा। या फिर कोई शॉर्टकट रास्ता था वो मैं भूल चुका हूँ, पता नहीं यार। हाँ मुझे रोड 112 पे जाना पड़ेगा, उसके बाद रोड 113 पे जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें डूम मिलेगा भाई, एशियन डूम। ओ मैन ये बहुत दूर है, सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। लेट्स गो भाई चलते हैं, देखते हैं ट्राई करते हैं यार आज के वाली वीडियो में हम पहुंच पाते हैं भी या नहीं।
तो मुझे पहले तो पता नहीं मैं सिटी के अंदर से जाना पड़ेगा यहीं पे रास्ता है। ओके वेट, यहाँ पे रास्ता नहीं है, मुझे सिटी के अंदर से जाना पड़ेगा आई थिंक। लेट्स गो, चलते हैं। और यार बडीज, आप लोगों को पता होगा कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने को हैं। ओ मैन, ये बहुत बड़ा नंबर है। अभी हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 9.52 है, तो भाई बहुत ही जल्दी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर का गोल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच यार, आप लोगों का एक प्यार है जो कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट दिखाया है ना, और जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं ना, उनका तहे दिल से शुक्रिया यार। आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। वेट, यहाँ पर रास्ता ही नहीं, मैं फालतू में क्यों लड़ूँ उससे। तो यार थैंक यू सो मच, अभी ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो यार। हम और भी बुलंदियों को छूने वाले हैं, और भी हम आसमानों की बुलंदियों को छूने वाले हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाते रहो। ओके लेट्स गो। यहाँ पे थोड़े बहुत एनपीसी बंदे घूम रहे हैं भाई, जिनसे मुझे चैलेंज तो नहीं करना है, तो मैं स्किप करने वाला हूँ उनको। ओके यार, मैं जल्दी से पैर रख देता हूँ भाई, क्या करूँ यार, मैं थोड़ी जल्दी में होता हूँ, बाइसाइकिल से घूम रहा हूँ पहली बात तो। वेट, ये नहीं देख रहा, बहुत बढ़िया यार, ये उधर क्या देख रहा है बंदा, ऊपर तो रास्ता नहीं। अरे यार ऐसा ना हो भाई प्लीज़, ऊपर से रास्ता होगा तो मुझे फिर से चैलेंज करके जाना पड़ेगा उसको। ओके मैं फिर से चैलेंज नहीं छोड़ता यार, मैं फिर कभी कर लूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चैलेंज नहीं करता उनको, मैं ट्राई करता हूँ कि अवॉइड करूँ उनको। ओके यार, तो फाइनली भाई हमारे तो यार 10,000 होने वाले हैं, तो भाई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो यार, 10,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं ट्राई करता हूँ बस पीसी का, मतलब पीसी का कोई इरादा तो नहीं है फिलहाल के लिए, तो मैं लेने की ट्राई करता हूँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो ज़रूर लेंगे, क्योंकि भाई पीसी सस्ते में नहीं आता। मैं छोटा मोटा पीसी लेके मैं कुछ माइनक्राफ्ट तो शुरू कर दूंगा, लेकिन छोटा मोटा पीसी में उतना बात नहीं है बॉयज। ओके वेट यार, यहाँ पे रास्ता ही नहीं भाई, मुझे आई थिंक सो चैलेंज करके जाना पड़ेगा। ओके बॉयज, मैं समझ गया, वो बंदा वहाँ पे क्यों देख रहा था पता है आपको? क्योंकि यहाँ पे रास्ता ही नहीं है, रास्ता तो यही पे है। ओ शिट, चैलेंज करना ही पड़ेगा, लेट्स गो चैलेंज करते हैं इसके। ओके यार, अगर हमें जाना है ना तो रोड 112 में ही, हम रोड 130 पे जाना है, तो इसको चैलेंज करके जाना पड़ेगा। आ जाओ मैन, देखते हैं। ओके भाई साहब, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है यार। फ्लेमियन आ जाओ भाई, मशीन टाइप के क्यों ला रहे हैं ये? ओके मुझे लगा यहाँ पे आई थिंक इलेक्ट्रिक टाइप के ही होंगे यार, कोई बात नहीं है, एज्यूरेंस नहीं भाई, स्काई फायर, लेट्स गो स्काई फायर सेटअप करते हैं, अगर बच गया तो बर्न इफेक्ट, नहीं बचा तो। अरे यार बर्न इफेक्ट हर बार नहीं लगता यार, ये क्या गंदी बात है भाई, लगना चाहिए बर्न इफेक्ट। ओ शिट, इसने मेरे दोनों अटैक पावर डिक्रीज कर दिया यार, कोई बात नहीं, विल पावर रिकवर कर लेते हैं यार, नाइस वन, कितना बढ़ेगा? ओके दो विल, भाई इसने मेरा स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस, स्पेशल अटैक और नॉर्मल फिजिकल अटैक ना दो डिक्रीज किए थे। एज्यूरेंस लेट्स गो, देखते हैं भाई इसके अटैक हमारे ऊपर उतना असरदार नहीं होंगे बॉयज, क्योंकि हमारे पास फाइटिंग और फायर टाइप का है, और क्लियरली डिसएडवांटेज है सामने वाला बंदा। ओके अबे बस कर दे भाई कितना, अरे यार फिर से नहीं भाई, ब्रेन पंच, लेट्स गो रिकवर करते हैं, आई थिंक बच जाएगा, क्योंकि इसने हमारे दो अटैक पावर डिक्रीज कर दिए हैं यार। कोई बात नहीं, रिकवर तो मैं नहीं करना चाहूँगा अभी। ओके फायर टाइप नाइस, ये भी ना बस ये बर्न इफेक्ट ना दे भाई मुझे। ओके भाई निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोकॉन को, इलेक्ट्रोकॉन ही बोलूँगा अब मैं इसको, ओ मैन देखने में कितना मस्त लग रहा है भाई, ओ शिट यार देखने में कितना खतरनाक और मस्त लग रहा है भाई, नाइस। लेवल कम है, डिसएडवांटेज है थोड़ा, कोई बात नहीं। फ्यूरियस वेव से अटैक करता हूँ भाई, देखते हैं अटैक। शिट, पहली बैटल कैसे मिस कर सकते हो यार। भाई फायर टाइप के अटैक उतने असरदार नहीं होने चाहिए। ओके नाइस वन, फ्यूरियस वेव, लेट्स गो। ओ मैन एनिमेशन तो अच्छा दिख रहा है भाई, नया मूव लगता है। ओके ओ बॉय, क्या ही अटैक था वो, नाइस। फ्रीज कर से अटैक करता हूँ मैं, लेट्स गो, एक अटैक करेगा सामने वाला बंदा, मुझे पक्का पता है भाई। ओ मैन ये नया अटैक है भाई, इससे पहले मैंने अटैक नहीं देखा ये, नाइस। ओके कट अटैक किया इसने, 10 बार डैमेज दे। ओ मैन क्रिटिकल हिट मिल रहा, अबे 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 हर एक क्रिटिकल हिट, शिट बस कर दे भाई, भाई क्रिटिकल हिट दिए इसने, 10 क्रिटिकल हिट। फ्यूरियस वेव से अटैक करता हूँ, खुद को रिकवर कर लेता हूँ भाई। ओके मैन ये तगड़ा बंदा था भाई, क्या ही अटैक किए इसने पूरे के पूरे, भाई क्रिटिकल हिट कैसे दे सकता है कोई बंदा। ओके उसने अटैक पावर इंक्रीज कर लिया है भाई, उसको फिनिश करना पड़ेगा यार, वरना मार देगा वो वे। फ्यूरियस वेव लेट्स गो, भाई साहब कुछ भी बोलो यार, ये इलेक्ट्रोगन जो है ना, ये देखने में कमाल लग रहा भाई, देखने में खतरनाक भी है, वो ऑसम भी है। ओके हमारे पास यहाँ पे एडवांटेज है भाई, तो मैं फिर से फ्यूरियस वेव से अटैक करूँगा, थोड़ा बहुत रिकवर कर लेंगे यार, यहाँ पे आसपास कोई मोसेंटर नहीं है, तो मैं इसकी एचपी गवाना नहीं चाहता हूँ भाई। ओके नाइस वन डैमेज, बहुत बढ़िया। देखो यार लेकिन फिर भी ये अभी थोड़ा वीक है, क्योंकि मैं इसका डाउन लेवल जो है वो, जब तक मैं इसका डाउन लेवल अप नहीं करता ना, थोड़ा वीक ही रहेगा,
ओके फ्रीज कर सेटअप करता हूँ, लेट्स गो। ये देखने में कुछ ऑसम लग रहा है भाई, देख रहे हो उसके नीचे से आइस के क्यूब निकल रहे हैं। बहुत बढ़िया। फाइटिंग टाइप, फाइटिंग टाइप के लिए हमारे पास जो है भाई, जो को निकालो ना, एडवांटेज है, जल्दी खत्म कर देगा भाई। जो की एचपी देख रहे हो 509 है भाई। ओ वेट, इसने, अबे तेरी भैंस की, स्वेलो विंग सेटअप करता हूँ, इसने मेरा डिफेंस और स्पीड दोनों डिक्रीज कर देंगे यार, कोई बात नहीं। ओके सेलो विंग से 3 बार डैमेज मिलता है, 1 2 3 4, ओ भाई 4 बार मिला उसको, अटैक पावर इंक्रीज हो चुका है, मैं इसको अगले अटैक में फिनिश कर दूंगा। आखिरी बंदा है ये, इसको तो आराम से फिनिश कर देंगे। ओके डैमेज नहीं मिलेगा भाई, एडवांटेज है। फ्राइज विंग से अटैक करते हैं, लेट्स गो, देखते हैं कितना डैमेज मिलेगा इसे। आई थिंक इनफ यार, इतने तो खत्म हो जाएगा भाई, चल निकल कल आना। ओ मैन बहुत बढ़िया, नाइस बैटल, 2 स्टार मिले पता नहीं क्यों। ओके भाई अच्छा लड़ा तू, और हमने अपना नया मॉन्स्टर को थोड़े बहुत ट्रेन भी कर लिया, मतलब देख लिया भाई कितना खास है वो, कितना अच्छा खेलता है। ओके वेट, यहाँ पे मैं सही तो क्या, ओह वेट नाइस, थैंक यू सो मच। अभी हम जाने वाले हैं ऊपर, और थोड़ा ऊपर जाके देखता हूँ भाई, यार यहाँ पे दो दो रास्ते जा रहे हैं भाई, मुझे कहाँ जाना है। यहाँ पे दादाजी खड़े तो हैं, लेकिन दादाजी से मेरा कोई वास्ता नहीं है भाई, दादाजी से मैं बात नहीं करना चाहता। वेट यार, मैं कुछ घूमे जा रहा हूँ भाई, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, लेट्स गो। यहाँ पे अगर रास्ता होगा ना तो मज़ा ही आ जाएगा। ओके भाई कितना लंबा रास्ता है यार, यहाँ पे एक बंदी खड़ी तो है। ओके मैन मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रास्ता, वेट यहाँ पे भी एक बंदा खड़ा है। मैं गलत आ चुका हूँ क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत, मैं थोड़ा आगे तो आया हूँ, पता नहीं आगे आया हूँ पीछे आया हूँ, पता नहीं यार कहीं पे तो आया हूँ मैं। वेट अ सेकेंड, देखते हैं भाई, अगर यहाँ पे रास्ता हुआ ना और मैं अगली सिटी पहुँच गया तो बहुत मज़े ही मज़े हैं भाई अपने, शायद मैं पहुँच गया। ओके आई थिंक रोड 112 ख़त्म, वेट घूमेगा क्या, नहीं घूम रहा। ओके नाइस, ओके भाई मुझे लग रहा है मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। ओके यहाँ पे नए रास्ते तो दिख रहे हैं मुझे, ओ यार एक कहाँ पे हूँ भाई, मैप में दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा भाई, यहाँ से कुछ भी नहीं पता चलने वाला। ओ मैं यहीं पे खड़ी है यार, चैलेंज करना पड़ेगा। ओके लेट्स गो, 4 मोस्टर थे भाई इसके पास, कोई बात नहीं। यार प्लीज़ ख़त्म हो जा भाई, कितना लंबा जाना पड़ेगा यार, मैं कहीं तो पहुँचने वाला हूँ, लेट्स गो देखते भाई, बस ऐसा ना हो कि मैं गलत पहुँच जाऊँ भाई। ओके के 112, मुझे नहीं लगता मैं सही जा रहा हूँ। ओके ट्राई करते हैं भाई, जाने की ट्राई करता हूँ मैं, रास्ते कितने हैं भाई यहाँ पे। ओके वेट, ऊपर ऊपर तो कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया, नीचे चलते हैं भाई। अगर मेरी पूरी मेहनत बेकार हुई ना तो भाई मैं क्या ही बताऊँ यार, मैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने केव कहीं पर तो देखी हुई है, पता नहीं मैं इससे पहले आया हूँ क्या यहाँ पे। यहाँ पे खड़ा है भाई भूतनी का, क्या करें, जाना ही पड़ेगा, चैलेंज करना ही पड़ेगा। ओके मैन बस भाई बहुत हो गया यार, आज की वाली वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी मुझे नहीं पता था भाई। यहाँ पे कुछ तो नहीं है ना, प्लीज़ यार बंद रहे भाई दरवाजे। ओह भाई मैं लास्ट में, अगर मुझे पता चला ना कि मैं गलत आया हूँ, बचा 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 बचा, नहीं देख रही दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या है भाई, ओके हट जा बे, हट जा यार। ओ भाई ये भी पंगे ले रहे हैं भाई, मज़े ले रहे हैं भाई सारे के सारे। अबे यार इस चीज़ के लिए मैं इतना दूर आया, ओके कोई बात नहीं यार, अल्ट्रा मून कोर मिला हमें, नाइस वन, चलना पड़ेगा वापस जाना पड़ेगा। वेट दीदी वहाँ पे देख रही है, मैं निकल आता हूँ भाई। ओके यहाँ पे एक रास्ता था ना, मैं यहाँ पे नहीं देखा, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आई थिंक डेड एंड, अरे ऐसे तो आया हूँ मैं। ओके ये बेटे यहाँ पे रास्ता है भाई, इतना दूर जाना पड़ेगा मुझे नहीं पता। अरे यार नहीं चाहिए भाई, है मेरे पास, आप चाचा आप निकलेंगे, ओके थैंक यू। ओके वेट मैं पहले एक बार देख लेता हूँ भाई, मैं ठीक से तो आया हूँ ना भाई, बस यही मिले जा रहे हैं, रिवाइव मिल गया, ओके नाइस, ये अच्छा था भाई। वेट यार मैं सोच रहा हूँ यार थोड़ा लेवल अप कर लूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत टफ एनिमीज आ सकते हैं, तो मैं यहाँ से सर्वाइव करना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत लेवल अप करना पड़ेगा। किल्टन का थोड़ा एक लेवल अप कर दें यार, 59 कर देते हैं इसको, नाइस वन। और इसका लेवल अप करने की ज़रूरत नहीं भाई, बहुत पावरफुल है वो पहले से ही। ओके इसका लेवल अप करो, बढ़िया 52 लेवल। फोकस, फोकस मिला है हमें राइज, ओके यार ये नहीं चाहिए भाई, 52 लेवल। और 55 भाई, इसका तो ज़्यादा लेवल है भाई।
ओके और एक मिल गया ईडीएफ स्ट्राइक। ईडीएफ स्ट्राइक किससे रिप्लेस कर लूँ मैं? वाइल्ड फायर एक अच्छा मूव है और बैटल फ्लेम से हम इसको ये दे सकते हैं भाई, तो मैं मैक्रस से रिप्लेस कर लूँगा, मैक्रस से रिप्लेस कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, और फ्लेम ऑन कर लेवल अप करते हैं 52 लेवल, नया मूव। ओके बहुत बढ़िया। को सफर कैसे हम यूज़ करने वाले मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। नाइस वन। ओके इसका लेवल अप करते हैं भाई 53। ओके इसको नया बनो, अरे क्यों, अच्छा समझ गया भाई, कोई बात नहीं, लेट्स गो मैन चलते हैं। और हाँ यार, इसका अगर डाउन लेवल भाई, इसका फील्ड लेवल अप हो सकता है, तो हमारे इसका लेवल क्यों नहीं हो रहा भाई? एक बार फिर से ट्राई करता हूँ यार मैं। प्लीज़ यार पीच खा ले, कुछ भी नहीं खा रहा भाई। देखो वाटरमेलन खा के देखता हूँ मैं, वाटरमेलन भी नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा है, क्या बोलूँ भाई मैं इसको। आई थिंक मैं ग्लिच कर गया भाई, मुझे ऐसा लग रहा है बॉयज़। अगर आप लोगों को पता है तो कॉमेंट में जाकर ज़रूर बताना भाई। ओके मैं रास्ता ढूंढता हूँ यार। फाइनली यहाँ पे सामने मुझे रास्ता दिख रहा है, लेकिन ये भूत, अबे क्या हुआ है चैलेंज, मैं अच्छी बात है मैं चैलेंज मैं देखूंगा ही नहीं, मुझे देखना ही नहीं है। ओके बहुत बढ़िया, तूफान ही तूफान है भाई यहाँ पे। ओके यार मुझे देखना नहीं था भाई, कोई चैलेंज नहीं कर रहा था मुझे, पता नहीं क्यों। अबे रुक, मुझे रोड 112 पे जाना है, लेकिन मैं रोड 113 पे आ चुका हूँ, तो ये क्या चल रहा है? एशियन डूम यही तो है शायद। ओके वेट, ये बंदा आ रहा है, बात कर रहा है मुझसे। हेलो मैं यहाँ का गाइड हूँ, यहाँ पे बहुत सारे क्लिप्स है, तो प्लीज अपना ध्यान रखना। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे एशियन डूम टाउन पे जाना है। क्या यहाँ पे जाना पॉसिबल है? जी हाँ तुम जा सकते हो, तुम्हें पहले रोड 112 क्रॉस करना पड़ेगा। जो भी हो, यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, जो कि सस्पिशियस बंदे आ रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। सस्पिशियस पीपल कौन है भाई? वो लग रहा है कि वो कुछ ट्रबल ना कर बैठे यहाँ पे। ओके थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए भाई साहब, अच्छा बंदा था, बात की इसने। ओके यार ये मैप को चेंज करना चाहिए भाई इनको, क्योंकि ये पुराने वाले नेक्सोमोन, मतलब नेक्सोमोन कह रहा हूँ मैं, मॉन्स्टरम में ये पुराना वाला मॉन्स्टरम जो था ना, उसमें भी सेम है, इन्होंने स्टोरी कुछ अपग्रेड ही नहीं किया। आई थिंक यही रास्ता है। ओके मैं आई थिंक एक ही बार में पार कर लूँगा, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था चैलेंज करेगा ये। ओके कोई बात नहीं। ओके वेट यार मैं आ चुका हूँ डेजर्ट सिटी में, और मुझे रखना था अपने यार, मुझे तो सामने रखना था भाई इलेक्ट्रोगन को। यार मैं यूनिसियन को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं भाई इलेक्ट्रोगन क्या करता है। भाई यार कसम से यार, इसका बैक लुक जो है ना, वो कितना औसम है भाई, चुम्मेश्वरी है भाई, क्या मस्त लग रहा है भाई, चुम्मा लग रहा है। ओके डेडली आइस अटैक नहीं, सब फिजिकल अटैक है। फ्रीज कर से भाई, फ्रीज कर बहुत कम बचे हैं, शॉक वेव से अटैक करते हैं। यार मुझे आई थिंक फोकस वगैरह बाय करनी चाहिए भाई, इतने ज़्यादा मूव्स लेके मैं क्या करूँगा भाई, मुझे थोड़ा बहुत अपनी चाय के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं अगली बार जो भी चाय मिलेगा ना उसको रख लूँगा, अगर मुझे चाय नहीं मिला तो मुझे थोड़े बहुत बुक ढूंढने पड़ेंगे। अबे डबल डैमेज तेरी बहन की, फ्रीज कर सटा कहते हैं भाई। फ्यूरियस वीरियस वेव मेरे पास नहीं यार, मैं हील नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, लेट्स गो। बच गया, कैसे बच रहा है भाई इतना पावरफुल? ओ माय गॉड 65 लेवल है, इसीलिए बच रहा है भाई ये। यार अगर मैंने यूनिसन को निकाल लिया ना, तो ये भगा भगा के मरेगा उनको। ओके कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे ही फिनिश कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। ओह शिट मैन, इतना डैमेज मिल रहा है भाई। ओके फ्रीज कर्स, लेट्स गो। भाई ये फ्रीज एक बार भी नहीं किया इसने, पता नहीं क्यों, एक बार तो कर दे यार, देखना चाहता हूँ भाई। दो ही मॉन्स्टर है तो मैं इसको आराम से निकाल सकता हूँ, अटैक करेगा। ओके डिफेंस इंक्रीज कर लिया इसने, तो मैं फिर से ही अटैक करूँगा। अरे 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 भाई गंदा डैमेज मिल रहा है भाई, अगर अभी ख़त्म नहीं हुआ ना तो आई थिंक मैं ख़त्म हो सकता हूँ। ओके नाइस, बहुत बढ़िया, 3 स्टार, बहुत बढ़िया मैन, लेट्स गो आगे चलता हूँ। ये देखा भाई, एक ही बार मैं कंप्लीट कर लिया। ओके वेट यहाँ पे कुछ होता है, ये रहा यार, इसको ले लेते हैं। ओके स्टोन शार्ड मिले हमें, और आई थिंक और भी कुछ चीज़ें थी, और एक दो बॉक्स में भूल के आ चुका हूँ पीछे ही। यहाँ पे कुछ नहीं है आई थिंक, मैं फिर भी एक बार जाके देखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, मुझे याद है यार, थोड़ा बहुत गेम याद है, पुराना वाला गेम ही चेपा है इन्होंने। ओके चलो भाई अंदर, अरे अंदर चलते हैं, सिटी के अंदर चलते हैं। यहाँ पे कटसिन क्यों नहीं आया भाई? कटसिन पता नहीं क्यों नहीं आया, और ये क्या है भाई, ये अजीब है। चलो यार कोई जो भी हो, मैं चलता हूँ भाई सिटी के अंदर, इनसे बचते बचाते चलते हैं अंदर। भाई तूफान उठा पड़ा है भाई यहाँ पे। ओके ये देखो भाई, यहाँ पे हमें स्लो कर दे रहा है ये। ओके बाइसाइकिल, ओके चल चल के जा नहीं सकते, चल के भी जा सकते हैं, स्पीड उतनी ही रहेगी हमारी। ओके मैं बाइसाइकिल से ही इधर से चलता हूँ भाई। ओके यार थोड़ा रास्ता कंफ्यूजिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कहाँ से जाना चाहिए, ये भूल भुलैया था। ओके मैं घुमा फिरा के वही पहने वाला हूँ, कोई बात नहीं,
मुझे जाना है सिटी के अंदर, तो मुझे रास्ता यहाँ पे नहीं कट, कूद नहीं सकता मैं। शिट, कोई बात नहीं, यहाँ पे होगा आई थिंक, यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है भाई। जाना किधर है मुझे? कोई फालतू में चैलेंज किया मैंने इसको। और अबे वेट, मुझे लगा यहाँ पे बैरियर है। अरे यार ये क्या, अबे हट तेरी भैंस भी। ओके मैं आई थिंक कहीं और पहुँच चुका हूँ, और मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा तो नहीं यहाँ से जाता हूँ। ओके भाई साहब इतना स्लो भाई, पता नहीं अभी ये सिटी कहाँ पे है। मैं रोड 113 पे तो हूँ, लेकिन मुझे जाना मुझे एशियन डूम में जाना है, तो पता नहीं वो कहाँ पे डून। ओके ओ फाइनली पहुँचा भाई। वेट यहाँ पे नहीं, क्या है बोर्ड पर ही पे है यहाँ पे है। ओके तो फाइनली भाई हम पहुँच चुके हैं एशियन डून में, और यहाँ पे एक लड़की ऐसे बात करते हैं। हेलो, क्या तुम मॉस्टर ट्रेनर हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? व्हाट्सअप, क्या हुआ? यहाँ पे एक लैब है हमारे टाउन में, मैं वहाँ पे काम करती हूँ, लेकिन आज सुबह की ही बात है, वहाँ पे कुछ बंदे आए और वो वहाँ पे कब्जा कर बैठे, वो कार्टर ग्रुप के बंदे हैं। तो चलो भाई मुझे वहाँ पे ले चलो, मैं देखता हूँ। ओके मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, चलो जी देखते हैं। ओके मैन, लड़की मुसीबत में है, मुझे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे गेम का एक ग्लिच आ चुका है, जिससे कि मैं मूव नहीं कर पा रहा है, मेरा कर्सर भी नहीं दिख रहा है। तो यार ये वाला बग तो मैं अगले वाले वीडियो तक फिक्स कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए भाई यहाँ पे एक मुसीबत आ चुकी है, यहाँ पे एक लड़की जो काम करती थी रिसर्च सेंटर में, उस लैब के अंदर कार्टर ग्रुप के बंदे आ चुके हैं, वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो मुझे जाना पड़ेगा, उस लड़की की मदद करनी पड़ेगी। तो यार उसकी मदद करूंगा मैं अगले वाले एपिसोड में। आज के वाले वीडियो में मजा ही आ गया भाई, हमने म्यूड्रा को पकड़ लिया, उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो मैंने उसको उसमें इवॉल्व कर लिया भाई। नाइस, हमारे पास 3 मैथिकल मॉन्स्टर आ चुके हैं और 2 रेयर मॉन्स्टर है और 1 इलाइट मॉन्स्टर है। तो मजा आएगा भाई अगले वाले एपिसोड में। अगले वाले एपिसोड में जाएंगे यहाँ के लैब को क्लियर करेंगे, और उसके बाद जाएंगे चैलेंज करेंगे जिम लीडर को, और वहाँ के जिम लीडर से हेल्प मांगेंगे भाई कि हमें कार्टर ग्रुप के बंदों को हराना है। इतना सब कुछ होने वाला है भाई अगले वाले एपिसोड में। तो यार थैंक यू सो मच 9000 सब्सक्राइबर्स के लिए, 9500 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं और हमें 500 सब्सक्राइबर चाहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही क्लोज है हम 10000 सब्सक्राइबर के। तो यार हो सके तो थोड़ा प्यार बरसाओ यार, तो ट्राई करता हूँ मैं 10000 पे पीसी लेने का। आई थिंक वो नहीं लग रहा मैं ले पाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा यार। चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।